हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ख्याति वंडरलस्ट। सो आज मैं जा रही हूँ शिमला, हिमाचल प्रदेश में। बहुत उत्तराखंड घूम लिया, अब आपको घुमाऊंगी शिमला। सो चलते हैं, अभी ऑन द वे हैं, रास्ते में पहुँच के पूरा शिमला घुमाती हूँ। एंड मैं आपको सब बताऊंगी इस वीडियो में, क्या क्या घूमना चाहिए, कहाँ स्टे करना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या बजट रहेगा, सब चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए घूमते हैं शिमला मेरे साथ, लेट्स गो। सो गाइज, हम तो निकल गए हैं अपनी कार से, हम तो जा रहे हैं रोड ट्रिप करते हुए, मस्त ड्राइव करते हुए। पर आप लोग फ्लाइट से भी आ सकते हैं। फ्लाइट से आने के लिए फ़्लाइट आपको डायरेक्ट शिमला एयरपोर्ट की मिल जाएगी, शिमला एयरपोर्ट पे उतर के। वहाँ से हार्डली 10 to 15 minutes का शिमला रह जाता है। अदरवाइज़ आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, टॉय ट्रेन चलती है कालकाजी से, वहाँ से आप कालकाजी से टॉय ट्रेन लेके भी शिमला आ सकते हैं। बट बाय रोड अगर आपको आना है तो आई सजेस्ट टैक्सी करो या अपनी कार करो, बाय रोड आ जाओ। बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आई पूरे रास्ते, बहुत अच्छी रोड है। टोल बहुत आते हैं बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा आएगा आपको बाय रोड। एंड आप बस से भी आ सकते हैं, बस डायरेक्ट दिल्ली से आपको शिमला की मिल जाएगी, जो 8 to 10 hours में शिमला पहुँचा देगी। सो गाइज, फाइनली हम पहुँच गए शिमला। सो सबसे पहले मैं आपको अपना रूम टूर करा देती हूँ जो हमने बुक करा है। सो बेसिकली हमने होटल के बजाय अपार्टमेंट बुक करा है, यहाँ पे अपार्टमेंट का स्कीम चलता है। सबसे पहले लेट मी शो यू दी किचन, दिस इज आवर किचन। यहाँ पे आप अपना वाटर रिफिल कर सकते हैं। एंड चलिए अंदर चलते हैं, दिस इज आवर रूम। उसके साथ ही पहले वॉशरूम दिखा देती हूँ, दिस इज आवर वॉशरूम। गीजर वीजर सब फैसिलिटी है यहाँ पे। एंड दिस इज मी, चलिए। एंड यहाँ पे ऐसे 2 single beds डाले हैं, एंड हियर इज आवर डबल बेड। सो लाइक हम 4 जन हैं, मैं 4 भाइयों के साथ आई हूँ, तो 2 यहाँ एंड 2 हियर। This is the mirror. Let me show you the balcony. The best part. Chalo, chalo, chalo. Look at this view, guys. Proper यहाँ ये balcony setup है, which is so amazing. See. And भैया बता के गए हैं वहाँ पे है माल रोड, थोड़ा माल रोड यहाँ से दूर पड़ेगा। सी एंड यहाँ पे थोड़ा ऐसे सिटिंग सेटअप भी दिया है, तो आराम से बालकनी में बैठ के यहाँ चिल करो एंड व्यू के मजे लो। एंड गाइस, अभी हम चलेंगे माल रोड। माल रोड के लिए इन्होंने बोला है हमें पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लाइक 2-3 kilometers है दूर, वॉक करके जाएंगे तो 15-20 minutes लगेंगे, तो हम इनके पिकअप ड्रॉप अप से माल रोड चलेंगे। एंड बहुत ठंडा है गाइस, कैसा लग रहा है तुम सबको यहाँ के? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया है यहाँ का। नाइस, एकदम बढ़िया। चलो अब हम अपार्टमेंट अच्छा चॉइस है यहाँ का, आप अगर डिफरेंट ट्राई करना चाहो, जैसे हर बार हम होटल रुकते हैं, ट्राई अपार्टमेंट दिस टाइम। थोड़ा दूर पड़ेगा बट इट इज गुड, प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ, इट इज गुड। सो चलो लेट्स एंजॉय। एंड इसका जो भी चार्ज है सब कुछ है मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ, सो बने रहिए गाइस। टाटा। मेरा तो इस व्यू पे दिल आ गया बस, और इतना ठंड हो रहा है ना, हाथ ऐसे चिल्ड हो रहे हैं। बस आप ये व्यू देखो, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। नाइस, अब मिलेंगे आपको सीधा माल रोड पे। नहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम, जहाँ पे अभी एंटर है ना, जहाँ से अभी वो हमारा अपना घर, ऊपर पूरा 3 BHK अपार्टमेंट है। okay. हमने 7 लड़कों को दिया है वो भी। अच्छा, जो नीचे वाला ना, हाँ। पूरा 3 BHK अपार्टमेंट है। ओके, उसमें 3 rooms है, बेडरूम है, किचन है, हॉल है। अच्छा, वो बैचलर्स है सारे?
जनरली माल रोड कितने टाइम खुलती है सॉरी अगर सर अगर वैसे तो 11 बजे के बाद और 7 बजे बंद नॉर्मल डे नॉर्मल डे आज तो ठंड है ना सर जी 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 11 बजे के बाद आज दो दिन तो खुला ही रहेगा अच्छा रात को फिर 11 बजे के बाद खुलता है नहीं सुबह 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 11 बजे यहाँ पे सर नाइट लाइट नहीं इतनी अच्छा अच्छा यहाँ पे आप देखो सब अभी सो गए शांत है सब यहाँ पूरा शांत एरिया है तभी हम जब भी आपसे बात कर रहे हैं आपको माल रोड माल रोड गाड़ी नहीं जाती उसके पास ही छोड़ोगे वहाँ 10-1 मिनट की वॉकिंग होगी डेढ़ किलोमीटर गाड़ी नहीं है जी लोड वहाँ से आगे नहीं यहाँ से आप जहाँ छोड़ोगे वहाँ ये है 1.5 किलोमीटर वहाँ से 1.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा नहीं वहां से तो 1/2 किलोमीटर ही चलना है आपको अरे कहना क्या चाहते हो गाइस अब हम माल रोड आ गए हैं एंड हमें जो हमारा अपार्टमेंट था धनलक्ष्मी अपार्टमेंट वहां से इन्होंने माल रोड ड्रॉप किया है एंड दे आर चार्जिंग अस 150 रुपीज फॉर ड्रॉपिंग एट दिस लोकेशन दे आर सेइंग दिस इज ओकलैंड तो यहीं पे हमें ये वापस भी मिलेंगे फॉर दी पिकअप तो अभी चलते हैं माल रोड एक्सप्लोर करते हैं यहाँ से माल रोड हार्डली 230 मीटर है चलते हैं एंड व्यू बहुत बहुत ही प्यारा आ रहा है दिखाती हूँ अभी चलती हूँ चलो तो गाइस बोरा सामने माल रोड एंड ये लोकेशन ओकलैंड बुल कहलाती है हम ओकलैंड ओकलैंड पे उतरे हैं यहाँ से जा रहे हैं टूवर्ड्स माल रोड जल्दी आओ चलो 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 इनकी हवा टाइट है गाइस चढ़ाई नहीं है सिर्फ स्टेयर्स है चलो मैं आई हूँ 3 बॉडीगार्ड्स के साथ चलो जल्दी सो गाइस माल रोड स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पे थोड़ा स्टिफ है और इस बाइक की हालत खस्ता हो चुकी है ही इज लाइक प्लेन नहीं है क्या चलो ये दोनों मस्त चल रहे हैं चलते हैं शॉप सारी है चलो 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 माल रोड एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले हमें देखिए मोमो स्टॉल यहाँ पे पहले मोमो गाइस मोमो पहले तू क्या खाया पहले मोमो पहले पूछ ले जो मर्जी है फिर से मोमो चलो लो खाओ पकड़ो इसे मजा आ गया ठंड में गरम गरम मोमोज नाइस है चलो गाइस मोमोज खा लिए अब आगे एक्सप्लोर करते हैं गाइस लुक एट द रश इट्स ट्रेंडी 10 बज रहे हैं एंड माल रोड फुली क्राउडेड है आगे थोड़े म्यूजिक भी बज रहा है लाइटिंग्स हो रखी हैं चलते हैं आगे देखते हैं क्या फुल म्यूजिक है आगे तो गाइस लुक एट द क्राउड क्रेजी क्राउड यहाँ तो डांस ही चल रहा है
एंड यहाँ पे ऐसे जगह जगह पे स्टॉल्स लगी हैं खाने पीने के लिए. एंड दिस इज आवर प्लेस फॉर दी शूटिंग. कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, चलो शूट कराते हैं. पक्का? हाँ देख ले. लेकिन वो नहीं करने का. नहीं जाते हुए नाचना है. ओकवुड पे जाते हुए भी नाच लेंगे, लेकिन ओकवुड से कैब करूंगा. नहीं क्या फायदा होगा कैब करने का. हैपन गाइस, चलो चलो चलो, पहले जाना है यहाँ से. हमने जाते हुए नाचना है. बस जितना पैदल जितना खाएंगे ना वहाँ जाके. कैमरे तो गाइस अभी हम दरेज घूम के आए हैं. रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो इतना पता नहीं चला. वहाँ पे म्यूजिक बहुत बज रहा था. अब हम माल रोड घूम रहे हैं. सो दिस इज द माल रोड. रिज में भी दिन में अच्छा लगता होगा, अभी तो बहुत क्राउडेड था एंड म्यूजिक ज़्यादा चल रहा था वहाँ पे. लुक एट दिस. गाइस यहाँ के माल रोड की यही खासियत है, ये जो व्यूज आते हैं ये लगते हैं लंदन टाइप ऑफ बिल्डिंग्स के. मैं लाइक हर एक माल रोड पे घूमी हूँ, मनाली, कनाताल, मसूरी, चक्राता, बट ऐसा व्यू यही मिलता है शिमला माल रोड पे. चलो ऑल एक्सप्लोर करते हैं. एंड गाइस लुक एट दैट दैट बिल्डिंग, दैट इज जाकू टेम्पल. हम वहाँ कल जाएंगे, उसको कल एक्सप्लोर करते हैं. वहाँ पे बहुत लाइक बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है, वो ही दिख रही है यहाँ से. यू कैन सी दैट. तो गाइज हम आया न्यू ईयर पे, तो ये यहाँ पे सब न्यू ईयर की प्रिपरेशन हो रही है. डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्राउड भी बहुत ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर. कल न्यू ईयर करेंगे यहाँ पे. आज 30th है, कल 31st है. न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, वो भी आपको घुमाएंगे. बने रहिए ब्लॉग पे. एंड वहाँ पे एक चर्च भी है. सी लुक एट दैट. नहीं आप उतर रहे हैं, अभी चढ़ना भी है भाई. आगे फोन बंद है भाई. गाइस यहाँ पे एक त्रिशूल बेकरी करके बहुत फेमस है, अभी हम वहीं जा रहे हैं. सो दिस इज त्रिशूल बेकर्स. ये थोड़ा माल रोड से ऐसे लेफ्ट में आ गया. सो गाइस वी आर लेट, त्रिशूल बेकर्स पे सब खत्म हो चुका है. कल दोबारा आएंगे, फिर पेस्ट्री ट्राई करते हैं. अभी हम जा रहे हैं वापस. यस दिस इज द फूड स्ट्रीट ऑफ शिमला माल रोड. चलते हैं अंदर. अल्फा में चलते हैं. देखिए इसका मेन्यू का पहले प्राइस रेट देखते हैं क्या. सो गाइस अभी हम आए हैं अल्फा रेस्टोरेंट पे, डिनर करते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं वापस. ये रेस्टोरेंट माल रोड पे था, अच्छा बना हुआ है, यहाँ खाते हैं फिर वापस चलते हैं. सो गाइस वी हैव ऑर्डर पनीर बटर मसाला एंड दी रोटी. एक पीस तो बहुत तगड़ा था, टेस्ट का कितना कैसा. इसमें ग्रेवी का है. सो गाइज ये था अल्फा रेस्टोरेंट, हमने यहाँ पे डिनर करा. ओके ओके था, इतना अच्छा नहीं था. आप कहीं और ही ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर है. चलते हैं अभी वापस. भैया एक सूप कर दो. होल्ड, अंकल का फोन आया था मेरे पास. हाउ इज इट गाइस, माल रोड पे सूप एंड जलेबी मिल रहे हैं. दिस इज बेटर देन आवर डिनर. ये जरूर ट्राई करना, गरम गरम. नॉट फ्राइड बट सो गाइस अभी यहीं पे डीजे बचा था जहां हम डांस करके गए हैं. ये पूरा रेज है अभी बंद हो चुका है क्योंकि अभी बज रहा है
टेन 57 11 बज चुका है ऑलमोस्ट आई गेस 10:30 बंद कर दिया हुआ कल फिर आएंगे न्यू ईयर पे दिस इज द रिज शिमला गया ठंड में आके आइसक्रीम ना खाई तो क्या खाई ऑनलाइन कर देना फिर तो गाइस अब हम वापस आ गए हैं मालवट घूम के कल हम घूमने जाएंगे कुफरी एंड एक फेमस टेंपल है हनुमान जी का वहाँ पे जाएंगे तो चलो अभी जाते हैं सोने कल घूमेंगे कल मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में सो सी या टाटा गुड नाइट बाय एंड द व्यू बाय सो गाइस स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट व्लॉग में आई विल कवर द कुफरी द जाखू टेम्पल जो हनुमान जी का मंदिर है एंड द प्रॉपर माल रोड पे कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट हुआ द पॉपुलर थिंग्स टू ईट एंड बने रहिए थैंक यू